Hi guys, welcome to our YouTube channel Food Travel Star. This video is all about India to Bali travel guide. अगर आप अपना next trip plan कर रहे हो to Bali, then this video is for you. Bali is the only place जहां आप night life, beach life and jungle life एक ही साथ एक ही trip में enjoy कर सकते हो and वो भी रिजनेबल प्राइस में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अबाउट इटिनरीज, होटल बुकिंग, करेंसी, सिम कार्ड एंड लॉट मोर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं विच इज बेस्ट टाइम टू ट्रैवल बाली। सिंस वी ऑल नो बाली इज अ ट्रॉपिकल आइलैंड, तो वहाँ पर सिर्फ दो सीजन्स ही होते हैं विच इज समर एंड मानसून, देयर इज नो विंटर। अकॉर्डिंग टू अस बेस्ट टाइम इज बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर। अप्रैल से सितंबर में वहाँ पर समर सीजन होता है, तो उस टाइम पे बीच एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सितंबर टू दिसंबर मानसून होता है, तो उस टाइम पर आप जंगल एक्सप्लोर कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। We went to Bali in December. Weather was too good at that time. हमने वहाँ पे summer and monsoon दोनों enjoy किए। Next point is about flight booking. Bali के total budget में से आप 30-40% flights के लिए रख सकते हो, because Bali की flights comparatively costly होती है as compared to other South Asian countries, since there is no direct flights available. अगर आप 2 महीने पहले फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 30,000-35,000 में अच्छे से ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंडिया टू बाली राउंड ट्रिप के लिए फ्लाइट्स के ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फ्लाइट में आपको वियतनाम, मलेशिया एंड सिंगापुर में से कहीं भी लेओवर मिल जाएंगे। सिंगापुर एयरपोर्ट टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, वहाँ पर आप 5-6 घंटे ईजिली स्पेंड कर सकते हो। वेयर इज वियतनाम एंड मलेशिया एयरपोर्ट में टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आगे बात करते हैं अबाउट वीज़ा। बाली में वीज़ा ऑन अराइवल होता है। जैसे ही आप बाली में लैंड करते हैं यू हैव टू पे फॉर वीज़ा विच इज़ अराउंड 2,500-3,000 rupees पर पर्सन। यू कैन पे वाया डेबिट और क्रेडिट कार्ड और IDR करेंसी। इनिशियली आपको 30 डेज के लिए वीज़ा मिलता है, सो यू कैन स्पेंड 30 डेज इन बाली, बट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड योर स्टे यू कैन अप्लाई फॉर अनदर 30 डेज विच रिक्वायर सम डॉक्यूमेंट्स। एंड डिटेल प्रोसेस के लिए आप वहाँ के किसी भी वेंडर की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट करेंसी। बाली की लोकल करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, जिसकी आज की डेट की वैल्यू है ये। वहाँ की करेंसी वैल्यू लो है एज कम्पेयर टू INR, सो टू मेक द कैलकुलेशन ईजी यू कैन कंसिडर 1 lakh IDR इज इक्विवेलेंट टू 500 INR। वहाँ पे काफ़ी जगह मार्केट में चीज़ों के प्राइस में लास्ट के 3 डिजिट्स लिखे हुए नहीं होते हैं, सो बी केयरफुल वाइल पेइंग। बाली में ट्रांजेक्शन्स आप 3 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट इज लोकल करेंसी विच यू कैन गेट फ्रॉम एनी ATM यूजिंग योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एनी ऑथेंटिक मनी एक्सचेंज स्टोर। सेकेंड इज फॉरेक्स कार्ड, वी यूज नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड टू मेक पेमेंट्स। एंड लास्ट वन इज USD। वहाँ के बड़े स्टोर्स या मॉल्स में ही आप डॉलर्स यूज कर सकते हो, लोकल मार्केट में ज़्यादातर जगह पे USD एक्सेप्ट नहीं करते। वी वुड रेकमेंड फॉरेक्स कार्ड इज़ अ बेटर ऑप्शन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स, बट बिकॉज लोकल शॉप्स में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते तो कीपिंग सम कैश एज वेल इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप एयरपोर्ट पे से मनी एक्सचेंज करवाना नहीं चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको कैश विड्रॉल के लिए ATM इजीली कहीं भी मिल जाएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ लोकल सिम। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको लोकल सिम्स के काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगे, सो नो नीड टू बाय इट फ्रॉम इंडिया।
Telkomsel and Axiata are the best options among others, as connectivity आपको Nusa Penida और other remote island पर भी मिल जाएगी। दोनों के रिचार्ज प्लान्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। इनिशियल बेस प्लान आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और इन बिटवीन अगर आपको अगेन रिचार्ज करना हो तो वो आप इजीली ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप से कर सकते हो। सिम कार्ड का टोटल बजट अराउंड 4,000 से 5,000 रुपीस होता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2 weeks ट्रिप। नेक्स्ट इज लोकल ट्रांसपोर्ट। बाली में लैंड करते ही अगर आपको होटल से पिकअप अवेलेबल नहीं है तो आप एयरपोर्ट से ही लोकल टैक्सी ले सकते हो। एयरपोर्ट पे ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग अलाउड नहीं है। ब्लूबर्ड इज ऑथेंटिक टैक्सी सर्विस इन बाली विथ रीजनेबल रेट्स। अदर ऑप्शंस आर गोजेक और ग्रैब एप्स विच इज सिमिलर टू उबर और ओला इन इंडिया। वी वुड रेकमेंड टू यूज गोजेक और ग्रैब फॉर ऑल योर लोकल ट्रांसपोर्ट बिकॉज यू कैन हैव ड्राइवर डिटेल्स टू कम्युनिकेट एंड ट्रैक योर राइड्स वेल। You can book Bluebird taxis via these apps as well, which is known as Hala taxis. And last but not the least, you can rent 2-wheelers for your entire stay, jiska rent around 400 se 700 rupees per day hota hai, depending on vehicle type and season. Driving license and deposit amount is required while booking it. You can rent 2-wheelers from your hotel as well as local vendors. According to us, 2-wheeler is a better option if you are roaming in city area, while Gojek or Grab is better for longer rides. अगर आप कोई remote island पे जाते हो like Nusa Penida और Nusa Dua, तो आपको ferry book करनी पड़ेगी, जिसकी details आपको हमारे Nusa Penida के vlog में मिल जाएगी। अब बात करते हैं about travel insurance. बहुत लोग इस इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया। ट्रैवल इंश्योरेंस इजीली आपको ये साइट्स पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंटर इज एंट्री फीस। बाली में कुछ एरियाज पे और टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको एंट्रेंस फीस पे करना होता है। अगर आप Nusa Penida में एंटर करते हैं तो आपको अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन एंट्रेंस फी लगता है टू मेंटेन द इकोसिस्टम एंड ब्यूटी। कुछ कुछ प्राइवेट आइलैंड पे भी एंट्री फीस लगती है। इसके अलावा कोई कोई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस सच एज मंकी फॉरेस्ट, तानहालॉट, उलुदानो, बेरातन टेंपल और बाली जू पर आपको मैंडेटरी एंट्रेंस फीस अराउंड 500 to 1,000 रुपीस पे करना पड़ेगा। देर आर ऑल्सो फ्यू प्राइवेट प्लेसेज सच एज बाली बर्ड पार्क एंड रेप्टाइल पार्क इन उबुल एंड वाटर बोम बाली इन कोता, जहाँ पर आपको अराउंड 2,500 to 3,000 रुपीस एंट्रेंस फीस होती है। आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाए वो बेटर ऑप्शन है। अगर आपको कोई बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर वेजिटेरियन पीपल, विच इज फूड। अगर आप फेमस एरियाज में स्टे कर रहे हैं सच एज उबुड और कुता, तो आपको काफ़ी सारे इंडियन फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। हाउएवर रिमोट एरिया सच एज Nusa Dua और Nusa Penida में कंपैरेटिवली ऑप्शंस काफ़ी कम मिलेंगे। सिंस बाली पीपल ऑल्सो फॉलो हिंदू धर्म, आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, साथ ही साथ वीगन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। The two best options in vegetarian menu are Nasi Goreng and Mia Goreng, जो आपको हर कोई रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। Basically, it's Indonesian style noodles and rice. Apart from this, another very good option you can have is Italian cuisine. इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छे फ्रूट प्लेटर्स, वेज सैंडविचेस और डिलीशियस डेजर्ट्स भी सारी होटल्स और लोकल रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। कुता में आपको काफ़ी अच्छे वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट्स बीच वॉक मॉल में और उसके आसपास के एरियाज में मिलेंगे, वेयर एज उबुड में आपको सिटी पैलेस के अराउंड अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप Nusa Penida में नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं तो बेटर होगा कि आप नॉर्थ और ईस्ट एरिया में होटल्स बुक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिसके लिए बाली काफ़ी फेमस है। बाली में वाटर एक्टिविटीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट द मोस्ट फेमस एंड यूनिक ऑप्शंस आर पैरासेलिंग, सर्फिंग, विंड सर्फिंग एंड सी वॉकिंग। इसके अलावा आप राफ्टिंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और बनाना बोट राइड भी कर सकते हैं, विच इज़ कॉमन एट मोस्ट बीचेस।
वाटर एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस हर एक मेजर सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको सर्फिंग करना है तो कोटा और सेमिनाक बीच आर द बेस्ट ऑप्शंस ड्यू टू देयर हाई वेव्स। वहाँ का सर्फिंग पूरे इंडोनेशिया का सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए आपको डाइविंग स्कूल्स लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। दे विल ट्रेन यू एंड टेक यू टू द अप्रोप्रिएट प्लेस आफ्टर ट्रेनिंग क्लासेस। अगर आप अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है तो नूसा दुआ इज़ द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर ऑल अदर एक्टिविटीज़। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे विद डिफरेंट पैकेजेस। अगर आपको एडवांस बुकिंग करना है तो वो भी आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर कर सकते हो। हमने तांजुंग बेनोवा वाटर स्पोर्ट्स से सारी एक्टिविटीज़ बुक की थी, जिसकी वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दे हैव वेरी गुड पैकेजेस इंक्लूडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी विद अ वेरी गुड क्वालिटी। अब बात करते अबाउट होटल बुकिंग। बाली हैज वेरी लो प्राइस होटल एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अराउंड 3,000 to 5,000 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप नूसा पेनिडा स्टे करना चाहते हो तो भी आपको नॉर्थ एंड ईस्ट एरियाज में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीस। आप एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारे कुत्ता उबुल और नूसा पेनिडा के डिटेल ब्लॉग में देख सकते हो। हमने वहाँ होटल्स के डिफरेंट ऑप्शंस इन डिफरेंट एरियाज भी कंपेयर किया है। हम लोगों ने कुत्ता में 3 डेज, उबुल में 4 डेज एंड नूसा पेनिडा में 3 डेज स्टे किया था और ये है हमारे होटल डिटेल्स। द नेक्स्ट क्रूशियल पॉइंट इज बजट। द प्राइसेस गिवन हियर आर फॉर अ कपल स्पेंडिंग इन 7 to 10 डेज इन बाली। बाली जाने में सबसे ज़्यादा बजट फ्लाइट्स के लिए लगेगा अराउंड 30 to 40% ऑफ टोटल बजट। उसके बाद अदर मेजर एक्सपेंसेस वुड बी होटल एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके प्राइस ये अराउंड होंगे। इसके अलावा अदर मिसलेनियस बट एसेंशियल एक्सपेंसेस वीज़ा, सिम एंड फूड। अगर आप एक्टिविटीज़ करते हो तो उसका अराउंड 4,000 से 5,000 तक पड़ेगा। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस यू विजिट, उसके एंट्री फीस का आपको अराउंड 200 से 500 रुपीस पर प्लेस पड़ेगा। अगर आप टोटल 10 डेज बाली में स्पेंड करते हो तो वो आपको अराउंड 1,10,000 to 1,30,000 रुपीस पर कपल पड़ेगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। यू कैन कमेंट अस अबाउट ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग ट्रिप। वी वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज टिप्स फॉर ट्रैवलिंग टू बाली। फर्स्ट इज, सिंस बाली करेंसी नोट्स आर हैविंग मोर जीरोस, बी केयरफुल व्हाइल पेइंग। इसके इजी कन्वर्जन के लिए आप हमारी कन्वर्जन टिप को चेक कर सकते हैं इन करेंसी सेक्शन। सेकेंड इज, अगर आप नूसा पेनिडा स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर लोकल घूमने के लिए टैक्सी ही प्रिफर करें। डोंट यूज टू व्हीलर्स इन नूसा बिकॉज रोड्स आर वेरी हिली एंड स्लोपी। एंड थर्ड इज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो टू डायमंड एंड कैलिंकिंग बीच डाउन साइड। तो अगर आपने पहले कभी ट्रैकिंग नहीं किया है तो वी वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो डाउन। सो दैट्स ऑल। अगर आपके पास कोई सजेशंस या क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इफ यू हैव विजिटेड बाली, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।